नेशनल हेराल्ड केस में ईडीए मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों हेठ कांग्रेस संलग्न एजेएल यंग इंडिया की 751 करोड़ रूपया की संपत्ति जप्त की है। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जणाव्यु कि जप्त करायेली एजेएल संपत्ति दिल्ली मुंबई और लखनऊ सहित शहरों में है। तेनी कुल किंमत 661 करोड़ रूपया है। राहुल गांधीए वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की हार बाद वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी ने पनौती गणाव्या छे। विवादित निवेदन करता राहुल गांधीए कहू छे कि पीएम मतलब पनौती मोदी। राजस्थान की रेली में आ विवादित टिप्पणी ने कारण राहुल गांधी फरी एक बार विवाद में फसाया छे। वर्ल्ड कप की फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया हाथे टीम इंडिया की कायमी हार न थी हती। भाजपा नेता रविशंकर प्रसादे कहू कि राहुल गांधी की टिप्पणी हूं टीका करू छू। राहुल गांधी देश वडाप्रधान माटे जे शब्दों उपयोग करो छे ए अशोभनीय अने अमर्यादित छे। राहुल गांधी ने शू थई गयू छे, तेओ हारनी हताशाथी एटला परेशान थई गया छे कि तेओ अभद्र भाषानो उपयोग करवा लाग्या छे। टीम इंडिया वर्ल्ड कपनी फाइनल में पहुंची हती परंतु तेओनी हार थई। पराली सळगावनार खेडूतो विरुद्ध सुप्रीम कोर्टे आकरी टिप्पणी करी छे। कोर्टे कह्युं कि जे खेडूतो पराली बाळी रह्या छे तेमने एमएसपी नो लाभ न आपवो जोईए। कोर्टे कह्युं कि परसळ सळगावीने कायदानुं उल्लंघन करनारा लोकोने आर्थिक लाभ शा माटे आपवो जोईए। बिहारना खेडूतोना वखाण करता सर्वोच्च अदालते कह्युं कि बिहारना खेडूतो पराली सळगावता नथी परंतु हाथथी कापी नाखे छे। राजस्थानना कोटा में जाहिरसभा ने संबोधता पीएम मोदीए जणाव्युं कि देशभरमांथी युवानो भणवा माटे कोटा आवे छे। विद्यार्थीओ पोताना सपनानी कीमत जाणे छे परंतु कांग्रेसे छेल्ला 5 वर्षमां वारंवार राजस्थानना युवाओना सपना तोड्या छे। पीएम मोदीए दावो कर्यो कि कांग्रेस अनेक परीक्षाना पेपर वेच्या छे। कांग्रेसना पेपर लिंक माफिया विद्यार्थीओना स्वप्न पर भारे पड्या। राजस्थान विधानसभा की चूंटणी माटे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मेनिफेस्टो जाहिर कर्यो छे। मेनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टीए 7 गेरंटी पर भार आप्यो छे, जेमा चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना हेठ वीमा की 25 लाख की रकम ने 50 लाख रूपया करवामां आवशे। आ साथ ज जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनशे तो राज्य में जाति आधारित वस्ती गणतरी पण करवामां आवशे। राजस्थानना मुख्यमंत्री अशोक गहलोते जणाव्युं कि राज्य सरकारे जे रीते प्रदेशनी नाणाकीय स्थितिनुं संचालन कर्युं छे ए बदल लोको गर्व अनुभवे छे। राजस्थानमां माथा दीठ आवकमां 46.48% वधारो थयो छे। अशोक गहलोते कह्युं कि ज्यारे प्रदेशमां ज्यारे भाजपनी सरकार हती त्यारे माथा दीठ आवकमां राजस्थान 30मा क्रमे हतो, जे वर्तमान कांग्रेस सरकारना शासन बाद 12मा क्रमे पहोंची गयो छे। कांग्रेसना नेता सीपी जोशीए जणाव्युं कि पार्टी आगामी राजस्थान विधानसभानी चूंटणी में मेनिफेस्टो में जाहरात करेली 7 गेरंटी पर विशेष भार आपशे। आ 7 गेरंटी में गृहलक्ष्मी सम्मान योजनानो पण समावेश करवामां आव्यो छे। आ योजना हेठ लाभार्थीओ ने दर वर्षे एक साथ 10,000 रूपया तेमना खाता में जमा करावामां आवशे। गामडामां रहेता गरीब वर्गना लोकोने तेनाथी खूब मोटी राहत मळशे। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश जणाव्युं कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया सूत्र साथ विपक्षी इंडिया गठबंधन वर्ष 2024 लोकसभा चूंटणी लड़शे। वर्तमान समय में विपक्षी गठबंधन साथ कुल 28 राजकीय पक्ष जोड़ायेला छे अने लोकसभा की चूंटणी पहला केटलाक नवा पक्षों पण तेमां शामिल थई सके छे। 5 राज्यों की विधानसभा की चूंटणी होवाथी कांग्रेस अने केटलाक अन्य राजकीय पक्षों तेमां व्यस्त थई गया छे। दिल्लीना पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जणाव्युं कि राजधानी में वायु प्रदूषण स्तर में घटाड़ो नोंधायो छे। प्रदूषण गंभीर श्रेणी में खूब ज खराब स्थिति में पहुंची गयो छे। जो नियमों योग्य पालन करवामां आवशे तो आवनारा दिवसों में दिल्ली में वायु प्रदूषण में वधु घटाड़ो थई सके छे। हवामान विभाग तरफ जाहिर करवामां आवेली माहिती प्रमाणे हवे वायु प्रदूषण स्तर फरीवार गंभीर श्रेणी में जाय तेनी शक्यता खूब ज ओछी छे। भारत चीन 1962 युद्ध समाप्त थवानी वर्षगांठ निमित्ते केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखरे जणाव्युं कि आ युद्ध में भारते 38,000 चौरस किलोमीटर नो विस्तार गुमाव्यो। आ राजकीय भूल माटे तात्कालीन पीएम अने तात्कालीन संरक्षण प्रधान कृष्णा मेनन संपूर्णपणे जवाबदार हता। भारत सरकारे ए समय में अपना सशस्त्र दलों आधुनिकरण की अवगणना करी अने परिणामे चीन ने तिबेट पर कब्जो करी लीधो। दिल्ली लीकर पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने राउस एवन्यू कोर्ट में राहत मिली नहीं। कोर्टे सिसोदिया की न्यायिक कस्टडी ने 11 दिसंबर सुधी लंबा दीधी है। ईडी तरफ आरोपी व्यक्तिओं अनेक दस्तावेजों दाखिल करने बाकी है।
आ मुद्दे कोटी वकीलों प्रत्ये नाराजगी व्यक्त करता कहूं कि 207 सीआरपीसी अनुपालन झड़पथी करवामां आवे। केरल तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत केटलाक राज्यों में 23 नवम्बर सुधी भारे वरसाद पड़ सके। हवामान विभाग तरफ जारी करती प्रमाण स्टली वेव कारण केरल और तमिलनाडु में भारत की अति भारे वरसाद पड़ सके। तमिलनाडु में 12-13 सेमी जटो वरसद खाबकी सके। 24 नवम्बर की दक्षिण भारत में वरसद तीव्रता में घटाड़ो थी सके। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा हाथ धरवामां आवेला अभ्यास में जाणवा मळ्युं छे कि कोरोना रसीकरण थी देश में युवानों में अचानक मृत्यु जोखम वध्युं नथी। अभ्यास में एवं पण कहेवामां आव्युं छे कि एवा घणा परिबळो छे जेना कारणे अकाळ मृत्युनी शक्यता वधी रही छे। कोविडना कारणे लांबा समय सुधी होस्पिटल में दाखल थवुं, अचानक मृत्युनो पारिवारिक इतिहास अने जीवनशैली में फेरफार जेवा के वधु पड़तुं शारीरिक काम करवुं अने दारू अने सिगारेटनुं वधु पड़तुं सेवन जेवा परिबळो सामे आव्या छे। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे जणाव्यु कि मराठा समुदाय लोको माटे अनामतना समर्थन में 1 डिसेम्बर थी महाराष्ट्रना तमाम गामों में उपवास शुरू करवामां आवशे। तेमणे राजकीय पक्षों पर समुदाय ने अनामतना लाभों थी वंचित राखवानुं कावतरू घड़वानो आरोप लगाव्यो हतो। अन्य पछात वर्गनी श्रेणी में मराठा समुदाय माटे सरकारी नौकरीओ अने शिक्षण में अनामत की मांग साथ जरांगे अनामत आंदोलन नेतृत्व कर रहा छे। तमिलनाडु कांग्रेस पार्टी नेता जेएमएच आसन मौलानाए जणाव्यु कि प्रदेश की विधानसभा में घणा बिल पसार करवामां आव्या परंतु राज्यपाल आर एन रवि तेना पर हस्ताक्षर करता नथी। राज्यपाले आ बिल ने टेबल पर राखी आराम थी फरी रहा छे। राज्यपाल आर एन रवि सनातन धर्म और हिंदू धर्म विषे वातो करी लोकोनु ध्यान भटकावा मांगे छे। द्रविडियन विचारधारा तेनाथी प्रभावित थशे नहीं। भारतीय जनता पार्टी में छेड़ोफाड़ बाद कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभे कुस्तीबाजों विरोध ने लई आरोप लगवा कि शू आप ब्रिजभूषण सिंह ने भूली शकी। मेडल विजेता दीकरीए कहूं कि भाजप सांसद ब्रिजभूषण सिंह तमी जाते सतामणी करती परंतु वडाप्रधान मोदी दीकरीओनी साथ उभा नहोता। दिल्ली की हवा एक बार फरी झरेली बनी गई है। एक दिवस सुधार बाद आज फरी एक बार दिल्ली की हवा में प्रदूषण स्तर बढ़ू। दिल्ली और आसपास विस्तारों में रात्र हवा में प्रदूषण स्तर प्रमाण बढ़ू। वेधर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च अनुसार मंगलवार सवेरे राष्ट्रीय राजधानी में हवा एक्यूआई 323 नोधाया। एरपोर्ट विस्तार में 336 और पूसा में 337 नोधाया। भाजप नेता और अभिनेत्री हेमा मालिनी वृंदावन में बांके बिहारी कोरिडोर निर्माण में अलाहाबाद कोर्ट निर्णय की प्रशंसा की थी। तेणी आग कहूं कि आ निर्णय मथुरा में प्रवासन ने प्रोत्साहन आपसे और दरेक फायदाकारक रहेशे। वृंदावन में बांके बिहारी कोरिडोर निर्माण में अलाहाबाद कोर्ट की मंजूरी पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी कहूं कि अमे खूब ज खुश छे कोरिडोर बनावामां आवशे अने रस्तो साफ थशे। अमदावाद शहर में रेस्टोरेंट में ईयर निकलवा सिलसिलो यथावत रहो। वस्त्राल विस्तार में स्टैटर्ड में ईयर निकली होवानो वीडियो वायरल थयो छे। वस्त्राल गाम मेट्रो रेस रेलवे स्टेशन पास आवेलू ब्रिटिश पिज्जा विवाद में आव्यु छे। स्टैटर्ड में ईयर निकलता ग्राहके होबाड़ो कर्यो हतो जेना पगले एएमसी फूड डिपार्टमेंट की कामगीरी सामे फरी एक वक्त सवाल उभा थई रह्या छे। पाटण जिला में हाल रवि पाकना वावेतरनी शुरुआत थई गई छे परंतु खेडूतोने सिंचाई माटे पाणी न मळवाने कारणे खेडूतोने हाल परेशान थवानो वारो आव्यो छे। कारण के नर्मदानी केनालनुं पाणी ब्रांचनी केनालमां नहीं छोड़ाता खेडूतोने सिंचाई माटे पाणी मळी नथी रह्युं जेना कारणे खेडूतोए करेला रवि पाकने नुकसान थवानी भीति सेवाई रही छे। सोमनाथमां पारंपरिक कार्तिकी पूर्णिमाना मेळानो प्रारंभ गोकुलधाम खाते आवेल हेलिपेड ग्राउंड खाते योजाशे। 1955 થી યોજાતો મેળો આ વર્ષે સાંજે 5 કલાકે જિલ્લા કલેક્ટરના હસ્તે ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે। આ મેળામાં મનોરંજનના સાધનો ખાણીપીણીના સ્ટોલ બાળકો માટે રમકડા તેમજ અન્ય વેચાણ સ્ટોલ ઇન્ડેક્સી વિભાગના હસ્તકલા અને ઉદ્યોગ જેવા આકર્ષક પણ જમાવશે। जामनगर जिला में बाळको साथे वडाप्रधाननी वधु एक तस्वीर सामे आवी छे। वर्ल्ड कपनी फाइनल मैच दरमियान वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए जामनगरना 3 वर्षीय बाळक खनक संतोखी साथे तस्वीर पड़ावी वातचीत करी हती।
सुरेन्द्रनगर जिला में राज्यव्यापी स्कॉलरशिप कुंभार की तपास में 2000 થી વધુ विद्यार्थी भोग बनिया धड़ाको सामे आव्यो छे। समाज सुरक्षा शाखा में स्कॉलरशिप नामे सरकारी नाणानी 5 करोड़ થી વધુની रकमनी उच्चापत थी होवानुं बहार आव्यु छे। धोरण 10 અને ધોરણ 12 ની परीक्षा पास करेला विद्यार्थीओने सरकार द्वारा समाज कल्याण खातामांथी स्कॉलरशिप आपवामां आवती होय छे। राज्य में हवामान विभागे कमोसमी वरसाद की आगाही की 24 થી 28 નવેમ્બર સુધી સામાન્ય વરસાદ की आगाही है, જ્યારે 25 અને 26 નવેમ્બરે ભારે વરસાદ की સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે। દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં તેમજ રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ की સંભાવના છે। सरकारी भर्ती नामे राज्य में वधु एक कुंभार सामे आवी छे। धोराजी में बिन सचिवालय क्लार्क की नौकरी आपवानी लालचे कुंभार आचरवामां आव्यो। धोराजीना पाटणवा पोलीस स्टेशन में आंगे फरियाद नोंधाई छे। बोगस सही साथेना तैयार करेला नौकरीना नेमणूक पत्र धाबड़ी अंदाजे 6-7 करोड़ रूपयानुं कुंभार आचर्युं होवानी फरियाद नोंधाई छे। છોટાઉદેપુર જિલ્લામાંથી આદિવાસીઓના ઉત્થાનના નામે કુંભારનો વધુ એક કિસ્સો સામે આવ્યો। ખોટા લાભાર્થીઓ દર્શાવી વન વિકાસ નિગમ દ્વારા ચૂકવણું કરાયું છે, જ્યારે કેટલાક લાભાર્થીઓનું અવસાન થયું હોવા છતાં તેમના નામે સરકારી નાણાંની ફાળવણી કરવામાં આવી છે। જેતપુરમાં મેડિકલ ડિગ્રી વગર દર્દીની સારવાર કરતા બોગસ ડોક્ટરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। પોલીસે સ્થળ ઉપર દરોડો પાડી સાજિત પ્લોચની પૂછપરછ કરતા તેઓએ કોઈ ડિગ્રી નહીં હોવાનું જણાવ્યું હતું। आंगे पुलिसे बोगस तबीब साजिद ब्लोचनी सहित अलग मेडिकल दवाओं और इंजेक्शन मिली रूपया 7300 नो मुद्दा माल कब्जे करी आगनी तपास हाथ धरी। राजकोट शहर ना वधु 6 विस्तारों ने अशांत धारा में आवरी लेवानी कवायत शुरू करी छे। राजकोट में श्रमजीवी सोसायटी योगीनगर भक्तिनगर सर्कल विस्तार वाणियावाड़ी गीतानगर सहित कुल 6 विस्तारों अंगे अहेवाल तैयार थई रह्यो छे। सरकार की सीधी सूचना और तंत्र पास आवेली मांगणीओ बाद रिपोर्ट तैयार थई रह्यो छे। तंत्र पोलीस अभिप्राय सब रजिस्ट्रार कचेरी में मोकलाशे। दिल्ली थी भारत और ऑस्ट्रेलिया की फाइनल मैच जोवा अमदावाद आवेला क्रिकेट रसिक पास थी करेला तोड़कांड अंगे कुल 10 व्यक्तियों ने सस्पेंड करवामां आव्या। 7 टीआरबी जवानों ने फरज पर मौकूफ करवामां आव्या हता, ज्यारे 3 पुलिस जवानों ने सस्पेंड कर्या छे, जेमां 2 कोंस्टेबल 1 हेड कोंस्टेबल नो समावेश थाय छे। हेड कोंस्टेबल महावीर सिंह कोंस्टेबल विपुल सिंह तुषार ने पण फरज पर मौकूफ कर्या छे। गांधीनगर में टाट और टेट उम्मीदवार द्वारा विरोध प्रदर्शन करवामां आव्युं हतुं। आ विरोध प्रदर्शन दरमियान उम्मीदवारों ने ज्ञान सहाय प्रोजेक्ट रद्द करीने कायमी भर्ती करवानी मांग करी हती। उम्मीदवारों विद्या समीक्षा केन्द्र तरफ एकत्रित थाय ते पहला ज पोलीस द्वारा डिटेन करवामां आव्या हता। आ दरमियान बन्ने जूथों वच्चे घर्षणनो बनाव पण बन्यो हतो। दिवाळी बाद टेट पास उम्मीदवारों ज्ञान सहायक भर्ती विरोध दर्शाव्यो हतो। आ मामले आपना प्रदेश प्रमुख ईशुदान गाढवीए प्रतिक्रिया आपी हती। તેઓએ કહ્યું કે રાજ્યની સરકાર ગુજરાતની પેઢી શિક્ષક અને તેનું ઇષ્ટી નથી, તો સારા શિક્ષકો ના મળે એટલા માટે જ સરકાર જ્ઞાન સહાયક યોજના લાવી છે। વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર થશે તો ભાજપી સરકારને સવાલ કરશે। લોકસભા 2024ની ચૂંટણીને લઈને ભાજપ હવે એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે। કમલમ ખાતે ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલ અને સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકરની અધ્યક્ષતામાં બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આગામી ચૂંટણીમાં ભાજપનો ભગવો લહેરાય તે પ્રકારની કામગીરી કરવી માટે સૂચન પણ કરવામાં આવ્યા હતા। ભાજપના નેતાઓનો સોશિયલ મીડિયામાં ચાલનારો જંગ હવે સ્ટેજ સુધી આવી પહોંચ્યો છે। રામસિંહ રાઠવા સ્ટેજ ઉપરથી અર્જુન રાઠવાના નામ લીધા વિના જ તેમના પર પ્રહાર કર્યા હતા। તેમણે કહ્યું કે આનું દિમાગ બરાબર ચાલતું નથી, આદિવાસીઓને ગેરમાર્ગે દોરવાનું બંધ કરે, નહીંતર ગેરકાયદેસરના પગલાં ભરીશ। ઉલ્લેખનીય છે કે પૂર્વ સાંસદ રામસિંહ રાઠવા અને કોંગ્રેસના અર્જુન રાઠવા વચ્ચે વાંકયુદ્ધ છડાવ છે। નર્મદા જિલ્લામાં બીજેપીમાં આંતરિક વિખવાદ સામે આવ્યો। નર્મદામાં સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ દરમિયાન સંગઠનના નેતાઓ અને અન્ય હોદ્દેદારો વચ્ચે ખટરાંગ દેખાયો હતો। સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ દરમિયાન દર્શના દેશમુખે સંબોધનમાં ગુસ્સો ઠાલવ્યો હતો। તેમણે કહ્યું કે બીજેપીમાં ભોગ આપનારા અનેક કાર્યકરો છે, મેં અત્યાર સુધી કોઈનું અપમાન કર્યું છે, તુકારીને બોલાવ્યો છે। તેમણે કહ્યું કે મારું નાનામાં નાનો કાર્યકર મારી સામે જોઈ ગમે તેમ બકવાસ કરે છે। રાજ્યમાં ટીઆરબી જવાનોએ છૂટા કરવાના નિર્ણયને લઈને સુરતમાં લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થઈને રાજ્ય સરકાર પોતાનો પરિપત્ર પરત ખેંચે તેવી માંગ કરી હતી। સરકાર આ અંગે પરિપત્ર પરત નહીં ખેંચે તો આગામી દિવસોમાં સ્ટેશન સ્થિત સરદારની પ્રતિમા ખાતે ધરના પ્રદર્શન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી।
गुजरात में टीआरबी जवानों ने अचानक छूटा करने निर्णय ने पगले बनासकांठा डीसा टीआरबी जवानों नायब कलेक्टर ने आवेदनपत्र आपने रजूआत की। ओछा पगार में पुलिस सामान फरज बजावता जवानों ने छूटा कर देता टीआरबी जवानों सरकार सामे रोष ठालव्यो हतो। डीसा नायब कलेक्टर ने आवेदनपत्र आप सरकार ने निर्णय परत लेवा रजूआत की। गांधीनगर में एप्रिल 2005 पहला निमणूक पामेला शिक्षकों एकत्र थया हता। आगामी रणनीति नक्की करवा माटे शिक्षकों जूनी पेन्शन योजना ठराव न थता बैठक करी हती। गत वर्षे सरकारे लाभ आपवानी जाहेरात कर्या बाद ठराव न थता विरोध दर्शाव्यो हतो। गांधीनगर में पंचायत सेवा मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कर्मचारी पोतानी पड़तर मांग साथे सरकार सामे बायो चढ़ावी हती। वर्ग 3 कर्मचारी ने मासिक उच्च फिक्स रकम सर्वेलेंस प्रोत्साहन आपवा मामले रजूआत करी हती। अगाउ चूंटणी वखते सरकारे 4,000 रूपया आपवानी जाहेरात करी हती, परंतु चूंटणी बाद सरकारे नियमोमां फेरबदली करीने प्रोत्साहन रकम आपवानो इनकार कर्यो हतो। आरबीआईए वधु एक राज्यनी बैंकनी दंड फटकार्यो छे। आरबीआईए महेसाणा अर्बन कोओपरेटिव बैंकनी नियमनुं योग्य रीते पालन न थतुं होवाथी दंड फटकार्यो छे। आरबीआईए 2021 रोज ऑडिट करता निरीक्षण में बहार आव्यु के बैंक पासे अयोग्य ट्रस्टोना बचत बैंक खाता खोल्या हता। आवकने आवकवेरा अधिनियम 1961 हेठ आवकवेरा चूंटणी माथी मुक्ति आपवामां आवी न हती। बनासकांठा में वावना खेडूतो अने धारासभ्य गिनीबेन ठाकुर नर्मदा कचेरी पहोंच्या हता। सरहदी पंथक में रवि सीजन में एक अठवाडियाथी सतत खेडूतोने सिंचाई माटे पाणी पूरतु न मळता नर्मदा कचेरी जवानी फरज पड़ी हती, परंतु तेवो ज्यारे नर्मदा कचेरी पहोंच्या त्यां कर्मचारीओ हाजर न मळता तेवोए कचेरीने ताळू मारी दीधुं हतुं। अंबाजी में मोहनथाळ बनावानो कॉन्ट्राक्टर टेन्डर वगर आपी देवाता आपना प्रदेश उपाध्यक्ष करधनदास बापू भादरकाय प्रतिक्रिया आपी हती। तेवोए कह्यु कि अंबाजी मंदिर ट्रस्टे टचस्टोन कंपनी ने कॉन्ट्राक्ट आप्यो ते कया आधारे आप्यो छे, कया संबंध कारणे आप्यो छे तेवोए उमेर्यु हतु कि टचस्टोन कंपनी ने 2016 दूधनी जग्याए पाउडर मिलावीने खराब गुणवत्तानो प्रसाद बनावा बदल 60,000 रूपियानो दंड फटकारवामां आव्यो हतो। राजकोट महापालिकाना जनरल बोर्ड में जर्जरित आंगणवाड़ीनो मुद्दो गूंजो हतो। राजकोट शहेरना सौथी विकसित गणाता नाना मुवा विस्तार में आवेली आंगणवाड़ीनी आदशा होवाथी लोकोए प्रशासन सामे रोष ठालव्यो हतो। नाना मुवामां स्थित अर्जुन पार्क विस्तार में आवेला आंगणवाड़ीनी बहार कचराना ढगला जोवा मळी रह्या छे। आ खराब अने गंदी आंगणवाड़ी में बाळको शिक्षण मेळवा मजबूर बन्या छे। गोधरा शहर में छेल्ला केटलाक समयथी भेळसेळिया तत्वों सक्रिय थया छे, जेने लईने लोकोना आरोग्य साथे खुल्लेआम चेड़ा थई रह्या छे। तो आंगे फरियाद उठी रही छे तेवामां गोधरा प्रांत अधिकारीए एक बातमी मळी हती कि गोधरा बस स्टेण्ड पासे आवेली महाकाळी नामनी आ नास्तानी दुकानमां नशीला पदार्थनो उपयोगमां आवे छे, जेना आधारे पोलीस सहित फूड एण्ड ड्रग्स अने नशाबंदी विभागे तपास हाथ धरी। राजकोट महानगरपालिका द्वारा 15 टीमों बनावीने ढोर पकड़ झुंबेश पूरजोश में शुरू करवामां आवी छे। राजकोट मनपा द्वारा 15 दिवस में 1,000 थी वधु ढोर पकड़ीने पांजरे पूरवामां आव्या हता। गुजरात हाईकोर्टनी टकोर बाद राजकोट महानगरपालिकाए 24 कलाक कामगीरी हाथ धरी हती, तो बीजी तरफ मालधारीओए घर पासे बांधेला अने रजिस्ट्रेशनवाळा ढोर पकड़ी जता होवानो आरोप लगाव्यो हतो। राजकोट में दिवाळी बाद मच्छरजन्य अने पाणीजन्य रोगचाळा में उछाळो आव्यो हतो। मनपाना चौपड़े शरदी उधरसना 501 केस, सामान्य तावना 43, झाड़ा उल्टीना 96, डेंग्यूना 171 अने चिकनगुनियाना 67 केस नोंधाया छे। डेंग्यूना केस नोंधाया छे तेवा विस्तारों में फोगिंग अने मच्छरना लार्वा अने पोरा शोधवानी कामगीरी शुरू करवामां आवी हती। कच्छना अंजारमां उद्योगपतिना पुत्रनुं अपहरण करी हत्या करवाना केसनो भेद उकेलायो छे। पोलीसे आ मामले बे आरोपीओनी धरपकड करी छे। महत्वनुं छे कि पोलीस द्वारा मेकपर बोरीची अने मेकपर कुंभारडीना 335 वधु सीसीटीवी केमेरा चेक करवामां आव्या हता, त्यारे हाल अपहरण अने हत्या करनार बे आरोपीने झड़पी आगळनी तपास हाथ धरवामां आवी हती।